मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुधीर जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमने कल देखा कि कलीसिया जो है वो खुदा का मकदस है, खुदा उसमें रहना चाहता है और इस मकदस को पाक रखना है। और आज सुबह मैं आपको बताता चला जाऊँ, कलीसिया जो है इसे हक का सकून भी कहा गया है। पहला तो वो उससे खत है, उसका 3 बाब और उसकी 15 आज को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये हवाला मिलेगा कि कलीसिया को हक का सैतून कहा गया है। मेरे बहनों भाइयों, हक का सैतून जो कलीसिया है वही जलाली कलीसिया है। जलाली कलीसिया को हक का सैतून इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सच्चाई पर कायम रहती है। कलीसिया की बुनियाद ही सच्चाई पर होती है और मसीह के आने तक वो सच्चाई पर कायम रहती है। और जो हक का सैतून है, जो सच्चाई पर खड़ी हुई कलीसिया है, वो ही जलाली कलीसिया है और उस सच्ची जिंदा जलाली कलीसिया को कोई गिरा नहीं सकता, इसलिए कि वो एक पिलर की तरह मजबूत कलीसिया है, कायम कलीसिया है। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले उस कलीसिया को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो हक का सतून है, मजबूत कलीसिया है, जलाली कलीसिया है। उसके खिलाफ जितनी मर्जी झूठी तालीमात फैलाई जाए, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए, उसके खिलाफ कुछ भी कहा जाए, जलाली कलीसिया जो हक का सतून है, याद रखिए उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पतरस जो जलाली कलीसिया का हिस्सा था और उस वक्त के हुक्मरान उसे कहने लगे, आज के बाद यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सच्चाई पर खड़ा हुआ था। उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करूं। यही एक नाम है जो सब नामों से आला है और वो ईमाल की किताब के अंदर बयान करता है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। इब्तदाई कलीसिया हक का सतून थी, इसलिए पूरी दुनिया में अंजील फैल गई और अब भी फैल रही है, क्योंकि जो हक का सतून है वो कायम रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो किसी की बातों में आकर नहीं गिरते। जो सच्चाई पर कलीसिया कायम होती है, ना वो ख्वाहिशों के सबब से, ना रुपये पैसे के सबब से और ना ओहदों के सबब से गिरती है, बल्कि हक का जो सुकून है वो कायम रहता है। दूसरे गिर जाएंगे लेकिन वो कलीसिया कायम रहेगी। और इब्तदाई जो कलीसिया थी वो जलाली कलीसिया थी, हमें भी ऐसे ही कलीसिया बनने की ज़रूरत है और यीशु ऐसी ही कलीसिया को लेने आ रहा है जो हक का सुकून और जलाली कलीसिया है, जो अपनी तालीम पर कायम है, जिनकी बुनियाद बाबरकत है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखिए, जलाली कलीसिया वही है जो हक पर खड़े हैं, जो सच्चाई पर खड़े हैं और पिलर की तरह खड़े हुए हैं। ये नहीं आज उनकी रोया और है कल और है, आज उनकी तालीम और है कल उनकी तालीम कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसलिए जो इब्तदाई कलीसिया थी वो मजबूत कलीसिया थी, उन्होंने अपनी जानें दे दी, यीशु की खातर शहीद हो गए, स्तिफनस को पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया, लेकिन वो हक पर कायम रहा, सच्चाई पर कायम रहा और सच्चाई के साथ वो मुआवजे करता, बदरुहे निकालता, लोग निजात पा रहे थे। मेरे बहनों भाइयों, जलाली कलीसिया अपनी तालीम से नहीं हटती, अपनी तालीम पर कायम रहती है। आज कलीसिया की हालत ये है, उनको अपनी तालीम का नहीं पता, लोग अपने सवाल उठाए लिए फिरते हैं, उनके सवालों के जवाब ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है। जलाली कलीसिया सवालों के जवाब नहीं ढूंढती, बल्कि जो जलाली कलीसिया है, जो हक का सतून है, वो सच्चाई पर प्रीच करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखे, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जो जलाली कलीसिया जब वो सच्चाई को सुन लेती है और सच्चाई पर वो कायम रहती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम होना सीखती है। इसलिए जलाली कलीसिया डगमगाती नहीं है, वो अपनी तालीम से पीछे नहीं हटते। और तिमोथियुस को यही बात कही गई थी, अपनी तालीम पर कायम रहे। हमें अपनी तालीम पर, उस सच्चाई पर कायम रहना है जो हमें मिली है। चंद रुपये पैसों के पीछे, ओहदों के पीछे अपने ईमान को मत घुमाएं, बल्कि कायम रहें। जो कलीसिया वो हक का सैतून है, हमने देखा कलीसिया मकदस है, फिर हमने ये भी देखा कलीसिया मसीह का बदन है। आओ मेरे बहनों भाइयों, हक के सैतून की तरह खड़े हो जाएं और
तालीम से लोगों को तब्दील कर दें। पालूस अपनी तालीम पर कायम रहा, सच्चाई की तालीम देता रहा। पत्रस रसूल सच्चाई की तालीम देता रहा। दीगर रसूल सच्चाई पर खड़े रहे और सच्चाई के वसीला से वो शैतान गुनाह बीमारी पर गालिब आए। आइए सच्चाई पर खड़े हो जाए, हाथ का सतून बन जाइए, फिर आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। आइए आसुब अहद कर लें, हमने जलाली कलीसिया का हिस्सा बनना है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आसुब तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। हक का सुकून बने, जलाली कलीसिया का हिस्सा बनकर तेरी बादशाह में शामिल हो। ये सुना अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।